थाने साहब आप आ गए। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आप मुझे रिहा करवाने आए हैं ना? हाँ, रिहा करवाने आया, लेकिन लॉकअप से नहीं, जिंदगी से। इंस्पेक्टर धर्म सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ भी कह लो, मगर तुम्हारा रिकॉर्ड बताता है कि आज तक तुमने जिस मुजरिम को भी गिरफ्तार किया उसे हमेशा अपना जाति दुश्मन समझा है, बिना सोचे समझे लोगों की पिटाई की, और आज इस हथौड़े से तुमने एक की जान भी ले ली। ये सरासर गलत है सर। मुझे बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई है सर। किसी मुलजिम से तहकीकात के दौरान आज तक मैंने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया सर। भगवान ने इस हाथ में इतनी शक्ति दी है कि बड़े बड़े मुजरिम से देखकर अपने जुर्म का इकबाल कर लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि मुझे इस हथौड़े की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी, इस बात का गवाह सारा स्टाफ है। धर्म सिंह, नाउ यू आर सस्पेंडेड। आज के इस दौर में हम जैसे पुलिस कर्मचारियों को इसे बड़ा इनाम मिल भी कह सकता है। फिर भी आपने मुझे इतने दिन तक बर्दाश्त किया सर, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। पागल, यू इडियट, दिखता नहीं कि अंधा हो गया तू? मैडम, मुंह खराब करने से कपड़े साफ नहीं हो जाते। ये लो रुपए, किसी लॉन्ड्री में जाकर अपने कपड़े साफ करा लेना, और हाँ, बाकी के बच्चों के पैसों से किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना चेहरा साफ करा लेना। ठहरो, ये लो रुपए और अपने कपड़े लॉन्ड्री से धुलवा लेना। अरे नहीं रे, मेरे यार, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, लड़कियों की तो इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं ना। शांति शांति शांति। और मैडम, आपको भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए। अगर एक खूबसूरत चेहरे पर एक दिल हो तो उसे नजर नहीं लगती। अच्छा हाँ, और इस गधे ने तो काफी दिल लगा दिया। अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें कभी जिंदगी भर नजर नहीं लगेगी। क्या हुआ? नहीं, अब तुम्हें भी नजर नहीं लगेगी। अरे नहीं, क्या रूप निकल आया है कीचड़ के क्रीम से। टिंग टोंग। और उस लड़की ने तुम्हें पैसे भी दिए। अरे हिम्मत देखो उस लड़की की, कि हमारे बेटे के मुंह पर कीचड़ लगाया, हमारे बेटे,
और तुमने कुछ नहीं किया। अब करूंगा डैड, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डालकर मैं उसका घमंड तोड़ डालूंगा। नहीं, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम पर भी एक लड़की ने कीचड़ उछाला था। जानते हो हमने उस लड़की के साथ क्या किया था? बदले में उस लड़की से हमने शादी कर ली थी, वो तुम्हारी माँ थी। खूबसूरत लड़की का घमंडी और बहादुर होना हमारे खानदान को शोभा देता है। अब वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। सच डैड? हाँ बेटा, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए उस लड़की को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट आना है तुम्हें। ओके डैड, बैठिए। आप बैठिए सर। धर्म सिंह, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम जैसे बेबाक और निडर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें दुखी होने की क्या बात है सर, आप तो सियासतदान हैं, देश के सिस्टम को मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो आजादी से लेकर आज तक गर्क ही होता जा रहा है। कोई ऑफिसर ईमानदार है तो उसकी ट्रांसफर करवा दी जाती है या फिर बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाता है। इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए मैंने तुम्हें बुलाया है। सॉरी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कहीं मुझे किसी गंदी सियासत का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि गंदी सियासत के गटर के उन गंदे कीड़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये गरीबों के घरों में आग भी खुद लगवाते हैं, गरीबों का कत्ल भी खुद करवाते हैं और फिर आंसू पोंछने के लिए प्रेस वालों की फौज लेकर पहुंच जाते हैं। इन गरीबों के जले हुए घरों में तो सभी झांकते हैं साहेब, लेकिन उनके दिलों में लगे हुए जख्म कोई नहीं देखता। सॉरी सर, बगैर वर्दी बगैर कुर्सी के मैं इसे अच्छा काम कर सकता हूं। धर्म सिंह, माना कि वर्दी और पोस्ट की तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन इस वक्त वर्दी को तुम्हारी जरूरत है, कानून को तुम्हारी जरूरत है, और तुमसे अच्छा ये फर्ज कोई नहीं निभा सकता। ठीक है सर, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। मैं अपने काम में किसी की नाजायज दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हो सकता है कल मुझे जुर्म की जड़ें काटने के लिए कुछ वर्दी वालों या खादी पहनने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़े। मुझे मंजूर है। मेरे हाथों गिरफ्तार किए गए किसी गुंडे की जमानत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। और एक खास शर्त है सर, दिल्ली से आने वाले फोन पर मैं किसी से भी कोई बात करना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर, ये रही शहर के छठे हुए बदमाशों और गुंडों की फाइलें। मुझे यहाँ के गुंडों की नहीं, पुलिस ऑफिसर्स की फाइल चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स की फाइलें? ये पुलिस ऑफिसर्स की फाइल के बारे में सुनकर हकलाने को लगे आप? जी हाँ भाई, पुलिस ऑफिसर्स की वो फाइल जिसमें उनके अच्छे बुरे कारनामों के रिकॉर्ड्स होते हैं। उनके अच्छे बुरे रिकॉर्ड्स पढ़कर हम उनकी कुंडलियां बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है। जाइए जरा वो फाइल ले आइए। अभी लाया, अभी। आपने हमें बुलाया सर? आइए, आप दोनों की फाइलें देखी। रिकॉर्ड से पता चला कि सांगा के ज्यादातर केस आप दोनों ने हैंडल किए हैं। जी सर। ये सांगा साहब आपके रिश्तेदार लगते हैं। क्यों सर? हाँ, रिकॉर्ड से तो ऐसा ही लगता है। उनके आदमियों को आप जेल तो एक तरफ, लॉकअप में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखते। ऊपर वाले का प्रेशर होता है ना, आप समझ जाइए ना सर। छी 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 छी, ऊपर वालों के प्रेशर के नीचे आप काम करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इसीलिए तो आपकी निगाहें झुकी रहती हैं। देखो, पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो और बड़े धंधे हैं वो कर लीजिए। देखो, अगर फर्ज प्यारा है तो जेब की बजाय जेब के ऊपर लगने वाले मेडल्स का सोचिए। जरा फोन लगाइए सांगा को, कहीं मैं बात करना चाहता हूं। सांगा बोल रहा हूं। काय सांगा साहब, काय सांगा जय गुड़बल बोलते हुए। स्टॉप इट, घटिया लोगों की खुशामद करने वालों से मुझे सख्त चिढ़ है। अपनी जहनीत को बदलिए।
हेलो सांगा साहब, मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह बोल रहा हूँ। बोलो। आपसे मुलाकात की तमन्ना है, नवाजिश होगी अगर आप एक घंटे तक जुहू होटल तशरीफ ले आए। सुना है आप पुलिस वालों से मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन ये हिमाकत मेरे साथ मत कर बैठिएगा, भारी पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा एक नाम और भी है, इंस्पेक्टर हथौड़ा सिंह। अरे कल्लू, अरे महेश चाचा तुम कैसे हो? अच्छा हूँ भाई, ये बताओ कल तक तो तुम्हारे पास साइकिल नहीं थी, आज तुम्हारे पास गाड़ी आ गई। अरे भाई धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी आज सूट में, हाथ में घड़ी, गले में चेन बांट के। अरे महेश चाचा अपनी तो किस्मत खुल गई। वो क्या है कि अपुन तो गया था दो चार हाथ खेलने बॉम्बे क्लब, अचानक सांगा साहब के साथ खेलना पड़ गया। सांगा वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उसके साथ में खेला? और नहीं तो क्या चाचा। अरे सच्ची कह रहा हूँ चाचा, सांगा अनाड़ी खिलाड़ी है, जीरो है जीरो, लेकिन हाँ पैसे की टकसाल है वो। बहुत माल कमाया है अपुन ने उधर से। वो तू छोड़ बेटा, अभी लफड़ा क्या हुआ मालूम? मेरी बेटी के लिए एक सेट लेने का है, उसमें 5,000 रुपया शॉर्ट है, तू मेरे को 5,000 रुपया उधार देगा? अरे 5,000 क्या चाचा, 50,000 ले लो। लेकिन एक बात है, आखिर हो तो तुम भी पत्तों की लाइन के माहिर, फिर क्यों नहीं एक आधा सांगा के साथ खेल लेते हो? अरे हजारों के नोट लाखों में बदल जाएंगे, फिर अपनी बेटी को सोने के बजाय हीरों के गहने देना। मैं जाता हूँ। कहाँ? बॉम्बे क्लब। इत्ता बादशाह अने राणी। वाह महेश भाई। कल्लू मैं तो सिर्फ क्या, सिर्फ क्या 10,000 रुपए लाया था, उससे इतने रुपये मैंने बना दिए हैं, अब तो मेरी बेटी की शादी धूम धड़ाके के साथ में हो जाएगी। हाँ महेश भाई, शादी तो धूम धड़ाके से हो जाएगी, मगर उन कर्जों का क्या होगा जो तुमने दूसरों से ले रखा है? अपना गिरवी घर भी तो छुड़ाना है ना तुमको। महेश भाई सामने सांगा समंदर है समंदर, और समंदर से केवल एक कतरा पानी का लेके जा रहे हो, मेरी मानो तो और दांव पे लगा दो, आज तो तुम्हारे पत्ते भी अच्छे गिर रहे। कभी कभी मेरी खोपड़ी को कुछ हो जाता है। अभी देख तू बिल्कुल सच्ची बात बोलता है, कब सांगा से एक एक बाजी और हो जाए। ओके कौड़ी नरक कफन को। महेश भाई याद है ना, जीत के माल में अपन का भी हिस्सा है। अरे कितने बार हम तमेरे को बोलेगा, मैं तो शो करवाता हूँ। नहीं महेश भाई, शो हम नहीं सांगा करवाएगा, फिर इतने अच्छे पत्तों में कोई शो करवाता है? अभी तो सांगा ने पत्ते देखे भी नहीं है। और अगर सांगा ने शो नहीं करवाया तो अपन है ना, डोंट वरी चल चलो। तुम अंग्रेजी बोलता है। लो एक चाल और। पांच लाख की चाल। कोई बात नहीं महेश भाई, चलने दो। अरे क्या चलने दो, अब मेरे को भी चाल चलने के लिए 10 लाख मांगता है कि नहीं? ओफ महेश भाई, रुपया मिल सकता है, सांगा कर्जा देता है, अपने को उधार नहीं मांगता। उफ बेवकूफी मत करो महेश भाई, सांगा से अभी इसी वक्त 10 लाख रुपए ले लो, हाथ के पत्ते बड़े हैं, जीत के फौरन पैसा वापस कर देंगे। सागा साहब क्या शो कराने के लिए 10 लाख रुपए मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? हाँ लेकिन रुपयों के बदले आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। है आपकी बेटी। क्या पकते हो सागा साहब? महेश भाई, महेश भाई आराम से, मेरी मानो तो हाँ कह दो। अरे तुम सुनते नहीं हो क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी को गिरवी रखना मांगते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे महेश भाई आपको क्या हो गया, आपके पति इतने बड़े हैं, आपके सामने दौलत का ढेर लगा हुआ है, आप सेकंड मेला पति बन सकते हैं। अरे महेश भाई लगाने वालों ने द्रौपदी को भी दावे लगा दिया था, और फिर वो आपकी अपनी अकेली बेटी है, मेरी भी बेटी के समान है,
हाँ बस शो कराने की देर है, जीते ही सारा रुपया संघ को वापस कर देंगे। सांगा साहब आप रुपए मंगाइए 10 लाख रुपए। बैठिए महेश भाई बैठिए। इन्हें समझा दिया ना? हाँ भाई बेटी के बदले। अब आप 10 लाख में शो करवा सकते हैं। सांगा साहब आप हार गए, मेरे पास 3 बच्चे। आज का खेल यहीं खत्म होता है, फौरन 10 लाख का इंतजाम कीजिए। सांगा साहब मैं कहां से 10 लाख रुपए लाऊंगा? कल्लू तुमने कहा था पैसे तुम दोगे। अरे महेश भाई मेरे पास इतने रुपए कहां से आएंगे, फिर तुमने मेरे को बोला क्यों था? ओफो वो तो मैंने तुम्हें जोश दिलाने के लिए कहा था महेश भाई, मुझे क्या मालूम था कि सांगा साहब के पास तीन इक्के। देखो कल्लू मेरी बेटी तुम्हें अंकल कहती है। सांगा साहब आपके सामने इसने बोला था ना, अब आप ही इसको बोलो ना। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं महेश बाबू। सुनो महेश बाबू की लड़की को उठा कर ले आओ। नहीं सागर साहब नहीं, इतना बड़ा जुल्म आप मुझ गरीब पे ना करें सागर साहब, मैं मर जाऊंगा। सागर साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। सागर साहब आप जो काम कहेंगे मैं वो काम करूंगा, एक एक पाई आपकी मैं चुका दूंगा। सांगा साहब आप चाहें तो मेरी खाल खींचकर उसके जूते बनवा लीजिए, मेरी बेटी पर ये जुल्म न करना सांगा साहब, ये जुल्म न करना। ऐसा हम नहीं कहते लेकिन दुनिया कहती है कि सांगा बड़ा दयालु है। हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं महेश बाबू, अगर 1 महीने में आपने हमारी रकम नहीं चुकाई तो हम आपकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। 1 महीना। सागर साहब मैं कहां से चुकाऊंगा? कल्लू कल्लू इनको कुछ बोला ना यार। कल्लू ये भगवान ये मैंने क्या किया मैंने।